नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं NCERT कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के बारे में। ठीक है, तो याद रखना इस कक्षा 7वीं की जो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 है, इसका ये लास्ट चैप्टर है। अभी तक हम लोग 8 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 8वां आपका चैप्टर था बाजार में एक कमीज के नाम से, ये आपका 9वां चैप्टर है समानता के लिए संघर्ष। इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपत्ति, मैलानी और सपना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा है। इन सब की कहानियों में जो बात समान है वह है कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया है। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं जहां लोग असमानताओं के विरोध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। क्या अध्याय 1 की रोजा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलन पर पड़े चित्रलेख आपको ध्यान है? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी है। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिकों को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म या उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या बदलती है। सब लोगों के दिमाग में एक बात फीड हो जानी चाहिए कि जब हमारे मोट जो वोट है या मत है हमारा, उसका कोई भेदभाव नहीं है उसमें, उसकी कोई उसमें अंतर नहीं है कि किसी अमीर के मत का या वोट की कीमत हो बहुत बड़ी कीमत हो तुम्हारे की कम हो। तुम्हारे वोट से ही विधायक बन सकता है और उसके वोट से भी विधायक बन सकता है। आपके वोट में जब अंतर नहीं है तो आपके जीवनचर्या में कैसे अंतर हो सकता है, बस आपकी सोच का। सरकार या देश का संविधान किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, अब आपकी रहन सहन जैसा भी है, जो आपकी स्थिति है, आप ही उसमें भेदभाव करते रहते हैं। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की है, लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं पर में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों में की लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हागिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। वे लोग जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते हैं। इसी तरह देखें कि एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है, बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और उनके संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। सपना के पास भी पर्याप्त साधनों की कमी है और इसलिए उसे अपनी रुई की फसल उगाने के लिए साहूकारों से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मजबूरी में अपनी अच्छी फसल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देश भर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों में काम करती हैं, इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। सतत विकास लक्ष्य SDG है, फर्स्ट एक में आपके गरीबी का अंत करना है उसमें। ठीक है, जो SDG गोल है आपका, याद रखिए जिस तरह आपने देखा होगा कि एक बड़ा रेस्टोरेंट है, उसी के बगल में एक ठेले की दुकान लगी हुई है, वो भी छोला भटूरा बेचता है, वो 15 रुपये में खिलाता है। वही हम लोग रेस्टोरेंट में बड़े में खाने जाए तो वही 150-200 रुपये का मिलेगा और जो आपके ठेला लगाने वाला है उसका अच्छा रहेगा, उससे स्वादिष्ट में अच्छा सही, बस क्या है जगह बदलने पर उसकी कीमत बदल जाती है। इसी तरह कि
जिस तरह अचार कोई बूढ़ी औरत एक अच्छा अचार बनाती है, वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां जो अचार बनाती हैं वो बस विज्ञापन दिखा देती हैं और अपना एक ब्रांड लगा देती हैं, इसी से उसकी कीमत बढ़ जाती है और जो वो औरत बूढ़ी औरत बना रही है वो उससे पिछड़ जाती है। दूसरी ओर अंसारी दंपत्ति को संसाधनों के ना होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में जब उनके पास किराए देने के लिए पर्याप्त पैसे थे तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को से स्कूल का मैदान महज इसलिए साफ करवाया क्योंकि वे दलित थे। आपने इस पुस्तक में पढ़ा है कि महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। भारत में यह वास्तविकता है कि जो गरीब है, सामान्य दलित आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं, इनमें से भी विशेष महिलाएं गरीब मानवीय हैं। गरिमा का अभाव, कुछ विशेष समुदाय के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहां एक तरह की असमानता खत्म होती है, कहीं दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदाय के लिए अच्छे स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुड़े कारणों से पैदा होते हैं। अगर शिक्षा सुधर जाए किसी भी देश की कहीं भी, तो वहाँ असमानता खत्म होने में के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यही गांव में आप देखो, अगर हमारा दोस्त अभी हम लोग पढ़ लिख रहे हैं बाहर हैं अगर, तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर कोई ST SC से आ रहा है आदिवासी से, वो हमारे साथ बैठ कर खाना खा सकता है, ठीक। लेकिन अभी गाँव में जाओ तो वहाँ आपको अलग ही ये फैसला तुम लोगों के अंदर खाई उत्पन्न हो जाएगी कि अगर कोई आदिवासी है तो उसके बगल में नहीं बैठोगे, उसके साथ खाना नहीं खाओगे, ठीक। तो मुझे लगता है जहाँ अशिक्षा है वहाँ इस तरह की खाई असमानता अधिक देखने को मिलती है, तो जहाँ शिक्षित लोग हैं वहाँ कम देखने को मिलती है, ये हकीकत है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। समानता के लिए संघर्ष, दुनिया भर के तमाम समुदाय और गांव और शहरों ने में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया है और सदैव उसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना है। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो 10 है, इसमें असमानता को कम करने का प्रावधान रखा गया हुआ है। अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में से ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जहां पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अब अध्याय 5 में आपने पढ़ा कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का तवा मत संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं जिनमें बीड़ी मजदूर, मछुआरों, खेतिहार मजदूरों, झुग्गीवासियों के समूह ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं।
ऐसे तमाम प्रयास भी हमारे सामने हैं जहां लोगों ने मिलजुल कर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए। बात करते हैं तवामत संघ। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों के कुछ जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में ऐसे अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इन सारी कवायदों में ना सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं बल्कि शहर में स्थित स्कूल से दूर जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती। लोगों और समुदायों एवं का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवामत संघ के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तावा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में शुरू हुआ या आरंभ हुआ, 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध को के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह तब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तावा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्रों से सस्ते श्रमिकों को ले आया। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया। इस तरह तावामत संघ नाम के संगठन को बनाया गया। नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने में से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है, उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। यह फोटो उत्तराखंड में टेहरी बांध से बनने से डूब में आए इलाके की है। इस बांध के कारण पुरानी टेहरी शहर और 100 गांव जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लोग विस्थापित हो गए थे। यहां से नवगठित तवामत संघ TMS ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तावा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार वहां के विस्थापित को ही दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवामत संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार किया। इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोग के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। तवामत संघ TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ क्यों उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमतें सीधे उन्हें देती है।
यह सहकारी समिति इनके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना, वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का भी काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा कमाते हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशयों में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिलें। TMS ने सभी के साथ यह बात सिद्ध कर दी कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया था। जानने का हक, मेरे सपनों को ये जानने का हक है। अरे क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का काम नाम नहीं। मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, क्यों गांव-गांव चलना पड़े, क्यों बस का निशान नहीं। मेरे भूख को ये जानने का हक रे, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुट्ठी मुट्ठी भर धान अन्न नहीं। मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे, क्यों गोली नहीं सुई, दवा खाने पट्टी टांके का सामान नहीं। मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे, क्यों रात दिन करें मजदूरी, क्यों साला मेरे गांव में नहीं। ठीक, कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या फिर अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही महल कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। जो आपका सूचना का अधिकार आया हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि जब तक हमारे समाज में जागरूकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और ऊपर जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ अशिक्षा है, जहाँ कोई अशिक्षा शिक्षित कम लोग हैं, वहाँ जानना इस तरह की खाई दिखाई देती है असमानता में, क्योंकि उन्हें अपने हक की लड़ाई पता ही नहीं है कि क्या है, आखिर उनका हक क्या है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि गरीब हो या अमीर, अपने बच्चों को पढ़ाने की प्राथमिकता पहले स्तर पर रखिए, ठीक है, उसके बाद कुछ भी हो। बात करते हैं भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविताओं की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप यह जानते हैं कि भारत का संविधान हमें सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। यहाँ मेरा मानना है पर्सनल, कि अगर समाज में अगर उसके अधिकार और दूसरे उसके मूल कर्तव्य पता चल जाए, अगर इससे परिचित हो जाए इंसान, तो 70-80% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अगर वो अपने मूल अधिकारों के प्रति सजग हो जाए और अपने कर्तव्यों के प्रति। समता का मूल लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूलभाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है, देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों मीडिया पर व्यवसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण,
महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होने होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष की एक महत्वपूर्ण तथ्य है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार के सभी जरूरत पूरे करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये तस्वीर 2001 में लखनऊ में 500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठित हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा फिकायडों की सुनवाई की। लोगों की इस जूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की। कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता। कुछ संदर्भ, दी ज्या और अपराजित गोयल 2003, फ्यूचर ऑफ डी मिड डे मील्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, हुसैन रुकेया सखावत 1905, पुनर्मुद्रण 1988, सुल्तान ड्रीम फेमिनिस्ट प्रेस निवार, कुमार कृष्ण 1986। देखते रहिए, ठीक है। ये आपका भारत का राजनीतिक मानचित्र है। ये आपका दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2020 में देख रहे हैं हम लोग। ये आपका पाकिस्तान लगा हुआ है, यहाँ पीओके वाले हिस्से से आपका अफगानिस्तान लगा हुआ है, ठीक है। सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। और ये आपका चीन है, तिब्बत चीन का ही भाग है। ये नेपाल है, ये भूटान है, ये आपका यहाँ म्यांमार लगा हुआ है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा अपनी सीमा लगती है, ठीक है। और ये आपका श्रीलंका है, पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है। ये आपका केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, हैदराबाद इसकी राजधानी, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना अपना, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश है, लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पटना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका सिक्किम है, ये आपका असम है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, और ये आपका मिजोरम, म्यांमार, ये आपका म्यांमार लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका त्रिपुरा है, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, ये आपका अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार समूह है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये आपका नीचे हिंद महासागर है। चलिए, तो ये थी आपकी कक्षा सातवीं की बुक्स, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दो। अब हम आगे बात करेंगे हमारा अतीत सेकंड के नाम से, जो हमारी कक्षा सातवीं की बुक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। याद रखिए, हमें कक्षा सातवीं की चार किताबें पढ़नी है। कक्षा छठवीं की भी हम लोगों ने चार पढ़ी किताबें देखी हैं, और कक्षा सातवीं की भी हमें चार ही पढ़नी है। इसमें एक हम लोग खत्म कर चुके हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग दो खत्म कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे हमारा अतीत सेकंड, फिर बात करेंगे उसके बाद हमारा पर्यावरण, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग विज्ञान, ठीक।